आज 25 तारीख है, 25 जनवरी, और सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और हम अगवाडा फोर्ट जा रहे हैं। अगवाडा फोर्ट बागा से करीब 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है, आधा घंटा लगता है, और ये हिल टॉप पे पड़ता है। तो ये 15-16 सेंचुरी में एक गार्डिंग फोर्ट होता था इन्वेडर्स के लिए, मतलब उनको यहाँ से दाखिल नहीं होने देना चाहते थे गोवा में जो पोर्टुगीज़ थे, तो उन्हीं का बनाया हुआ था ये फोर्ट। तो आगे चल के हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। ये अगवाडा फोर्ट का रास्ता है हिल टॉप पे, काफ़ी ग्रीनरी है दोनों साइड। दोस्तों ये अगवाडा फोर्ट का एंट्रेंस है, अभी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ से। ये दोस्तों एंट्रेंस है, शायद यहाँ पे टिकट मिलता है, तो हम पहले यहाँ पे टिकट लेंगे। और ये पूरा व्यू है यहाँ से 360 डिग्रीज। फ्रेंड्स वी आर इनसाइड द फोर्ट, मैंने टिकट ले लिया है, और यहाँ पे टिकट इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ पर हेड था और फॉरनर्स के लिए 300 पर हेड। और अगर आप बिम्स्टेक नेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका वगैरह जो कि सात कंट्रीज़ के पार्ट भी हैं पाकिस्तान को छोड़ के, तो उनके लिए भी टिकट 25 रुपीज़ ही है। दोस्तों सामने आप लोग देख रहे हैं ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से यहाँ पे उस जमाने में इस ओशन पे वॉच रखा जाता था सी पे यहाँ पे, ताकि कोई भी इन्वेडर्स ना आ सकें। ये आपको पूरा व्यू मिल रहा है यहाँ से, और अभी हम आगे चलेंगे उधर से देखेंगे क्या व्यू है। तो दोस्तों जैसे आप लोग पीछे देख रहे हैं मेरे, ये पूरा व्यू मिल रहा है आपको इधर से फोर्ट का। ये नीचे एंट्रेंस है दोस्तों, आप तो पूरा देख रहे हैं। ये फोर्ट अगवाडा जो है ये रिवर मांडोवी है, उसके बैंक्स पर बना है, और ये रिवर जो है ये अरेबियन सी में जाके फॉल होती है यहाँ पे। तो ये मिलिट्री पर्पस था इसका बिल्ड करने का यहाँ पे, ताकि जो भी इन्वेडर्स थे यहाँ से, जो किसी रूट से आते थे इंडिया में दाखिल होते थे, उनको रोक सकें। दोस्तों ये पूरा फोर्ट अगवाडा है, ये लाइट हाउस के जस्ट बगल में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे पिक्चर में, ये लाइट हाउस है। और इसका मिलिट्री इम्पोर्टेंस 15 सेंचुरी में जो था यहाँ पे, एक्चुअली क्या था, सबसे पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए हुए थे, और उसके बाद जो भी यूरोपियन जो सी रूट से जो ट्रेडर्स आते थे और कैप्चर करना चाहते थे गोवा को, तो सबसे पहले वहाँ से डच आए, और पहले जो पोर्टुगीज़ का पोर्ट हुआ करता था, जो मुझे यहाँ पर पढ़ के समझ में आया, वो रेस मेगस में था, जो कि थोड़ा सा यहाँ से अंदर जाके है। तो जब हॉलैंड से यहाँ पे डच आए, तो उन्होंने उस पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया था, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया था। तो इससे जो भी थे, मतलब काफ़ी अंदर तक आ गए थे वहाँ पे डच, तो इस बात से लेके यहाँ पे पोर्टुगीज़ जो थे, जो पहले से यहाँ पे थे, उनको थोड़ा सा धक्का लगा था इस बात से कि कैसे उन्होंने इतने अंदर तक आ गए बिना उनकी जानकारी के। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम बैंक पे रिवर ऑफ मांडोवी यहाँ पे उन्होंने ये फोर्ट अगवाडा बनवाया है। तो ये इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिसे आप पीछे देख सकते हैं, पूरा व्यू मिल रहा है। तो अगर कोई भी इस रूट से आएगा तो उनको पता चल जाएगा। ये अगवाडा फोर्ट का दूसरा कॉर्नर है, और इधर से काफ़ी दूर तक आपको व्यू मिल रहा है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट बागा से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ये हिल टॉप पे पड़ता है, और लगभग 117 सीढ़ी हैं, मुझे यहाँ पे एक ने बताया है।
इनकी शॉप है यहाँ पे। तो अभी हम ऊपर चढ़ के देखेंगे क्या व्यू है। ये आप व्यू देख रहे हैं, यहाँ से हिल टॉप दिख रहा है, इधर राइट साइड में अरेबियन सी है। और उधर टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा है पिलर, वहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिल से आता है कि शूटिंग हुई थी, कई सारी मूवीज की यहाँ पे शूटिंग हुई है, रंग बसंती भी है उनमें से। ये चपोरा फोर्ट का एंट्रेंस है। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे बचा नहीं है, सिर्फ खंडहर टाइप का ही है। नीचे आप लोग देख रहे हैं, यही एंट्री पॉइंट है चपोरा फोर्ट का। हमने अपनी स्कूटी एकदम नीचे पार्क की है, वहाँ पे आगे देख सकते हैं आप लोग, सब लोग उधर से ही आ रहे हैं। इस फोर्ट से आप लोग अगर देख रहे हैं, सामने एक बीच दिख रहा है, ये मोजिम बीच है जहाँ पे कल शाम को हम लोग गए थे। मुझे मोजिम बीच गोवा का अभी तक जो मैंने देखा है सबसे अच्छा बीच लगा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये मोरजिम बीच है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर्ट जैसा तो कुछ बचा नहीं है, बट लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ की सीनिक ब्यूटी के लिए। जो नज़ारा आपको यहाँ से मिल रहा है शायद ही यहाँ पे कहीं और से मिले। सामने मोरजिम बीच है हमारे, कुछ लोग इधर से वॉक करके उस वाली हिल पे चले जा रहे हैं जो कि बिल्कुल शोर के बगल में है। ये आप सामने देख रहे हैं, यही वो पॉइंट है जो जाता है वाला फेमस पॉइंट, जहाँ पे आमिर सैफ और अक्षय खन्ना ने यहाँ पे पोस्ट दिया था। सेम पॉइंट है, यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं जो फोटोज ले रहे हैं। नीचे आप लोग एक और बीच देख रहे हैं, ये फोर्ट के फोरग्राउंड में है और बैकग्राउंड में इस बीच के चपोरा फोर्ट है। और वो पीछे आपको दिख रही है बैकग्राउंड में मोरजिम बीच है। तो सामने आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, पैरासेलिंग यहाँ पे भी हो रही है। तो जूम करके आपको दिखाऊंगा। मतलब क्या बोलूँ, लाजवाब है एकदम। यहाँ से सनसेट का मुझे लगता है अलग ही मज़ा होगा देखने का, जिस हाइट पे हम लोग बैठे हुए हैं। बट हो सकता है उतनी देर तक यहाँ पे अलाउ ना किया जाए, क्योंकि सनसेट होते हुए लगभग 6:30 बज जाता है।